मैं अपने बच्चे को अब हवाले नहीं करूंगी। हम यहाँ किसी से इजाजत लेने नहीं आए, हमें अपना नवासा चाहिए और बेहतर यही होगा कि चुपचाप से आप चिराग को हमारे हवाले कर दें। आज सबूत नहीं, जिस दिन सबूत आ गया खुद दुनिया छोड़ देना। कल सुबह दामिनी काकुल में तब्दील हो जाएगी और फिर शायद 11 दिन का इंतजार। डॉक्टर, काकुल ठीक तो हो जाएगी ना? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिस्टर वर्मा, हिम्मत मत हारिए, ऐसे केसेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अपने पेशेंट को जानी पहचानी जगह पर फैमिली माहौल में ले जाइए तो शायद काकुल जी धीरे धीरे रिकवर कर जाए। नहीं नहीं नहीं, काकुल की हालत में सुधार नहीं आ सकता, कभी नहीं। नहीं मिस्टर वर्मा, क्या हुआ? तो इन दैट केस मैं उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ ये बात की फिक्र है कि घर पर काकुल की देखभाल में कोई कमी ना हो। डॉक्टर, मैंने वो नर्स के लिए कहा था, वो मैं भी नहीं बुलाता हूँ। मिस जेसी को अंदर भेज दो। मिस जेसी बहुत ही काबिल और अनुभवी नर्स हैं, आपकी पेशेंट उनके अंडर में सेफ रहेंगी। कम इन डेसी। यस डॉक्टर। मिस्टर वर्मा, ये हैं डेसी। हेलो। डॉक्टर साहब ने मुझे पेशेंट की कंडीशन के बारे में बता दिया है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेशेंट की पूरी देखभाल करूंगी। ये नर्स मेरे काम के लिए बिल्कुल सही है, आसानी से मेरी बात भी मान लेगी और नहीं तो इसे डराया धमकाया भी जा सकता है। डेसी, आप आज से ही काम पे लग जाइए। थैंक यू सर। डेसी, यू कैन लीव। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। एवरीथिंग नॉर्मल? गुड। क्या पोजीशन? एवरीथिंग इज ओके, बस हम थोड़ी देर में ही पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाएंगे। भाई सर्जरी के लिए कितना वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, 6-7-10 घंटे या उससे ज्यादा भी। इसलिए मैंने दामिनी के पेरेंट्स को घर जाने के लिए कह दिया, अगर आप चाहें तो आप भी। नहीं, मैं यही वेट करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लेकिन याद रहे, मुझे काकुल की शक्ल चाहिए। हूबहू। डोंट वरी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। शरद, तुम यहां कब? सिर्फ तुम्हारा प्यार था जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपनी सारी मुसीबतों से लड़ पाया हूं और मैं वापस आ गया। I love you so much, Neha. I love you too, Shar. तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जानता हूं Neha, इसलिए आज तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझसे शादी कर से, शादी कर से, शादी कर से। आज ऐसी वक्त और मैंने फैसला कर लिया कि मैं मम्मी पापा को राजी कर लूंगा। नाम शोर को मान जाएंगे Neha। हमारी शादी हमारे परिवार की मर्जी से ही, जैसा तुम चाहते हो। इनफैक्ट मैं कौशल्या आंटी से भी आज ही बात करूंगा। कौशल्या आंटी, कौशल्या आंटी, माँ घर पे नहीं है। हाँ, इसका मतलब तुम घर पे अकेली हो। श-
शरद के वापस आ जाने से अब ये घर पूरा हो गया। हाँ माँ, उसके वापस आने से एक उम्मीद सी बन गई है कि अब धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं शरद की शादी करवाऊंगी। इस घर ने बहुत मायूसी देख ली, अब खुशियों की शुरुआत भी होनी चाहिए। उत्तरा, तुझे पता है ना शरद किससे शादी करना चाहता है? नेहा से। और उस रिश्ते के लिए हम पहले ही मना कर चुके हैं। पहले मना किया था ना, वो तब की बात थी, अब की बात और है। यानी तुम्हें अब इस शादी से कोई एतराज नहीं है? अरे उत्तरा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उत्तरा, क्या मैं जान सकता हूँ कि अचानक ये बदलाव तुम्हें कैसे आ गया? दुनिया में हर चीज बदलती है, हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। हमने अपनी खुशियां बच्चों पे थोप कर देख ली, ना बच्चे खुश रहे ना ही हम, तो फिर ऐसी जिद से क्या फायदा? उत्तरा ठीक कह रही है अमरनाथ, और फिर नेहा में बुराई ही क्या है? अम्मा, हम तो इस चक्कर में पड़े थे कि वो सक्सेना की नाजायज औलाद है, लेकिन अब हमने देखा है कि नेहा ने हर तरह से अपने आप को साबित कर लिया है। तो फिर देर का है कि जाके कौशल्या से बात करो। उत्तरा, तुमने अपनी सोच इतनी बदल ली भाई, अब तो मजबूर होकर मुझे भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी। वो तो है। सब कुछ ठीक है ना? सर, जो जो मैंने मंगवाया था वो सब चीजें आ गई हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं मंगा लूंगा। सर, एक व्हील चेयर मंगवा दीजिए, ताकि मैं काकुल जी को चेयर पर बिठाकर गार्डन में खुली हवा में घुमा फिरा सकूं। नहीं, काकुल यहां से बाहर नहीं जाएगी। तुम्हें इसकी जो भी देखभाल करनी है यहीं इसी कमरे में करोगी। लेकिन सर, ऐसे पेशेंट का यही इलाज है कि वो बाहर निकले, घूमे फिरे, लोगों से मिले। काकुल किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि काकुल का इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर यहां कुछ नहीं होगा। बट सर, मिस डेजी, डॉक्टर शास्त्री ने मुझे समझाया था कि आप बहुत ही काबिल और एक्सपीरियंस नर्स हैं। आपको देखे मुझे लगा था कि आपने दुनिया देखी है। आई एम श्योर आपको दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, राइट? बट सर, कोई सवाल पूछे बगैर अपना काम चुपचाप करोगी, और खास कर इस बात पर ध्यान रखोगी कि काकुल इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, और कोई काकुल से मिलने इस कमरे में नहीं आएगा। और ऑफ कोर्स, यहाँ के लैंडलाइंस मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। आपका सेलफोन मेरे पास हिफाजत से रहेगा मिस डेजी, सो प्लीज मिस डेजी, आपका सेलफोन। मिस डेजी, आपका सेलफोन। डेजी, तुम्हारा सेलफोन। थैंक्स, थैंक्स। और हाँ मिस डेजी, जब तक काकुल का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता, तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। You mean I am under house arrest, sir? मैं इतना बुरा नहीं हूं, लेकिन हाँ, यहां मेहमान अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जाते हैं मेरी मर्जी से। You got it? Enjoy yourself. सरकार, सरकार। बोलो। शरद चंगुल से भाग निकला है सरकार। ये कैसे हो गया सरकार? हा? वो इतना कड़ा पैरा होते हुए भाग कैसे गया? कब वो आई है? वो कल। और तुम मुझे आज बता रहे हो? हाँ, आज। मुझसे भूल हो गई सरकार। Just get out of here. मुझे लगा कि हम उसे पकड़ लेंगे सर। Just get out of here. Get out. वैसे भी मुझे अब शरद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अब हुक्म का इक्का है। हेलो। यस सर। ये जो रिपोर्ट साहब ने भेजी है उसमें एमआरआई रिपोर्ट नहीं है। सर, एमआरआई रिपोर्ट अभी बन रही है। तो रेडी हो जाए तो जल्दी भेज दीजिए प्लीज। ओके सर। थैंक यू। ऋषभ बेटा। हाँ आइए।
बैठिए। आपसे एक जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है ना बेटा? ये रिपोर्ट आपको दे देना है। पर वो तो डॉक्टर ने सारी दे दी थी ना? हाँ, लेकिन मैंने ही आपके डॉक्टर से कहा था कि ये रिपोर्ट मैं आपको दूंगा। क्या है इन रिपोर्ट्स में? जी वो और कोई तरीका है नहीं सिवाय इसके कि आपसे सीधी बात की जाए। आपकी किडनीज में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो मैलिग्नेंट है। इलाज अगर उसका हो भी जाता है तो दोबारा उसके होने के आसार हैं। डॉक्टर को डाउट्स थे इसीलिए उन्होंने ये टेस्ट्स करवाए थे। लेकिन मतलब इलाज की पूरी गुंजाइश है, कीमोथेरेपी है तो उसके बाद मेडिकेशन है। तो आप मैं जानती हूँ कैंसर का इलाज कहाँ तक हो सकता है। अब जो किस्मत में लिखा है उसे तो स्वीकार करना ही होगा ना। सिर्फ मेरी नेहा इस बात को सह नहीं पाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, इस रिपोर्ट के बारे में तुम नेहा से कुछ मत कहना। इतनी बड़ी बात नेहा से छुपाना ठीक नहीं होगा, और अगर मैंने उसे नहीं बताया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ऋषभ, जब नेहा को पता चलेगा मैं उसे समझा लूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है तुम उसे कुछ मत बताना। ऋषभ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बीता ये मैं ही जानती हूँ। मैं सबसे मिल रही थी, हंस बोल रही थी, लेकिन तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली थी। शरद, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। और तभी मैंने मन में ठान लिया था कि आई विल नॉट गिव अप। मुझे तुमसे दोबारा मिलना ही था। तुम्हारे इसी हौसले की सबको यहाँ पे बहुत जरूरत थी। तुम नहीं जानते तुम्हारी एब्सेंस में क्या क्या हो गया। मुझे इतना बुरा लगा कि मुसीबत के वक्त मैं अपने परिवार के साथ नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। तुम कब आए? कल ही आया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। जी आंटी, इसीलिए वापस आ गया, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, अपने परिवार को सारी खुशियां देने के लिए। और आंटी, मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप उन दोनों का आशीर्वाद दें। शरद, तुमने अभी कहा तुम अपने माँ बाप को खुशियां देना चाहते हो। तुम्हें लगता है इस शादी से वो दोनों खुश होंगे? मैं उन्हें मना लूंगा आंटी। आंटी, सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा, लेकिन उनकी मर्जी के साथ साथ आपकी मर्जी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ तुम शादी करके जिस घर में जाओ वहां वहां के लोग तुम्हें दिल से स्वीकारें, तुम्हें प्यार दें। शरद, मैं इस शादी से तभी खुश हो सकती हूँ जब भाई साहब और भाभी दोनों दिल से मेरी नेहा का स्वीकार करें। जरूर करेंगे आंटी, लेकिन आपको तो अब इस शादी से कोई एतराज नहीं है।
नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी, चलता हूं। बाय। माँ, आपने अपना फैसला कैसे बदल दिया? न्या, जिंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से तो नहीं होता है ना। कभी कभी जिंदगी के साथ चलने में ही समझदारी है। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारी तपस्या का फल तो तुम्हें मिलना ही था ना। खुश रहो। थैंक यू मां, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैंने यहाँ से मिलने गया था पापा। मैंने यहाँ से शादी करना चाहता हूँ पापा। और हम भी ये चाहते हैं बेटा। मम्मी, रियली? क्या आपको और पापा को इस शादी से कोई एतराज नहीं है? नहीं बेटा, अब हम तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहते हैं। और अगर तुम नेहा के साथ खुश हो तो हम भी खुश हैं। हम अपना बेटा दोबारा नहीं खोना चाहते। God bless you. Thank you, पापा। अब मैं कौशल्या से बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे मना करती है। दादी, एक्चुअली उन्होंने परमिशन दे दी। अच्छा, तुम पहले से तय करके आया? सॉरी दादी, वो एक्चुअली दादी वो क्या है कि अब वक्त ना सिर्फ तैयारियों का और प्रिपरेशंस का है। कांग्रेस ब्रदर। थैंक यू भैया। अब देखना मैं कितनी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करती। ओह गॉड, आई होप इस ऑपरेशन का रिजल्ट वैसे ही हो जैसे मैंने चाहा। मैं किसी भी कीमत पर कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिस्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर रहे। Congratulations, Mr. Verma. Operation successful, na? Thank you, doctor. लेकिन डॉक्टर, ये पट्टियां खोलने में कितना वक्त लगेगा? दो महीने। दो महीने? यानी मुझे दो महीने इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसका सिला वही मिलेगा जैसा आपने चाहा था। कीमोथेरेपी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए और मुझे भी यही लगता है। कीमोथेरेपी? तो बेटा, मैंने सुना है कि कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं, वीकनेस होती है। हाँ, इस किस्म के साइड इफेक्ट्स पेशेंट्स में देखे गए हैं। ऋषभ, तुम तो जानते हो बड़ी मुश्किल से नेहा और शरद की शादी तय हुई है। ऐसे में अगर कीमोथेरेपी तो नेहा को सब पता चल जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से नेहा और शरद की खुशी में कोई कमी आए। लेकिन आंटी, आपकी कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज उतना ही जरूरी है, तो करना होगा। क्या तब तक कोई दवाई नहीं ले सकती मैं? मेरा मतलब फिर नेहा की शादी के बाद हम कीमोथेरेपी भी? आंटी, ऋषभ, बस एक बार नेहा का घर बस जाए फिर मैं मरने को तैयार हूँ। हेलो। हाय बंटी बेटा, कैसे हो? सिमी आंटी, वाओ, मैं ठीक हूँ।
आप वापस आ गई? नहीं बच्चे, मुझे एक आध महीना और लगेगा। सोनिया कैसी है? वो अभी भी मुझसे नाराज है। नहीं, आप इतने प्यारे हो, आपसे इतनी देर कौन नाराज रह सकता है बच्चा। आप जल्दी वापस आ जाइए, मैं आपको और सोनिया को बहुत मिस कर रहा हूँ। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं बच्चा, इसलिए आई प्रॉमिस मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। और सोनिया भी ना। हेलो हेलो सिमी आंटी। बच्चे आपके पापा घर पे हैं, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे प्लीज। पापा अभी तक घर नहीं आए। घर पे नहीं है? आप अकेले हो घर पर इस वक्त? हाँ। अच्छा, आपने खाना खाया बेटा? पापा के साथ खाऊंगा। ओके, प्लीज पापा के आने तक किसी भी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा नहीं खोलना। ओके बंटी? हाँ। पापा को कहना मैं उनसे बाद में बात करूंगी। आई विल कॉल बैक, यू टेक केयर, बाय बाय। बाय। पापा, सिमी आंटी का फोन था, आपने जस्ट मिस किया है। कोई बात। पापा आपको पता है सोनिया मुझसे नाराज नहीं है। चलो अच्छी बात है। लेकिन उनको आने में एक महीना और लग जाएगा। सिमी आंटी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी, उन्होंने कहा है कि वो बाद में फोन करेंगी। पापा सिमी आंटी एक महीने बाद आ रही है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है ना? बंटी ज्यादा सोचो मत, भूख लगी? हाँ। खाना खाएं? चलो जब प्लेट लगाओ टेबल पे, मैं आता हूं। आओ भाई समधन जी। जी तेरा पिता, खुश रहो। दोनों सास बहू क्या वही खड़े खड़े सारा प्यार दिखाएंगे? उत्तरा मुझे भी अपनी बहू से मिलना है। आप भी ना अम्मा। Congrats, I'm really happy for you. Thank you भैया। जीती रहो, दूधो ना हो पूतो फिर। अरे क्या कसी है बस। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, लेट हो गया। आज के दिन भी लेट। मॉम प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी लेट नहीं होऊंगा, लास्ट टाइम। आओ सर, खड़े क्यों, बैठो ना। आओ बैठो। बैठी बैठी भाभी, चल और मैं बैठूंगा अपनी दादी के पास। पंडित जी ने 2 महीने के बाद का मुहूर्त निकाला है। 2 महीने बाद है ना? मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि 2 महीने बहुत ज्यादा है। चुप कर, तुम दोनों की कुंडली के हिसाब से बेटा यही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। हाँ कौशल्या, तुम क्या कह रही थी? भाभी वो 2 महीने बाद, यानी अरे 2 महीने कैसे गुजर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और फिर हमें तैयारी के लिए भी तो वक्त चाहिए ना। 2 महीने अब कैसे बताऊं कि शायद मेरे पास इतना वक्त ही ना हो। पापा आप हमेशा न्यूज देखते रहते हैं, मुझे कार्टून देखना है। अरे रोज दिन भर कार्टून देखते हो, और कितना देखोगे? मैं रोज कहां देखता हूँ पापा, स्कूल चालू है। देखो फोन बज रहा है, देखो कौन। लगता है सिमी आंटी का होगा। उठाओ देखो कौन। हेलो बंटी बेटा, पापा से कहो कौशल्या दादी का फोन है। एक मिनट, कौशल्या दादी है? हाँ बोलिए आंटी, क्या बात है? ऋषभ बेटा, वो नेहा और शरद के शादी का मुहूर्त 2 महीनों बाद का निकला है। लेकिन आप कीमोथेरेपी के लिए 2 महीने तो नहीं रुक सकती हैं। बेटा लेकिन मैंने अगर अब कीमोथेरेपी कर ली तो नेहा को पता चल जाएगा। और उसे ये पता चल गया कि आपने कीमोथेरेपी सिर्फ इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसकी शादी है, तो क्या वो माफ कर पाएगी अपने आप को? वो खुश रहेगी बताइए? 2 महीने का टाइम बहुत होता है आंटी। आप एक काम कीजिए, आप कोई भी बहाना बना के आप यहाँ आ जाइए मेरे घर, ठीक है? और मैं डॉक्टर कोठारी से बात करके आपकी कीमोथेरेपी के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। ऋषभ, कीमोथेरेपी के बाद मैं नेहा से कुछ नहीं छुपा पाऊंगी, वो देखते ही समझ जाएगी। नेहा समझदार लड़की है आंटी, आप क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से वकील है, सच का सामना करना, उससे जूझना उसका काम है, वो समझेगी इस बात को, क्या बात कर रही हैं आप? लेकिन जब वो सच
अपने माँ बाप का हो तो बच्चे नहीं सह पाते। आऊंगी ना, आऊंगी। हेलो, रखती हूँ। किसका फोन था? नहीं, तुम जानती नहीं हो, वो महिला आश्रम की औरत है ना, वो चार धाम की यात्रा पर जा रही है, तो किसी एक औरत का प्रॉब्लम हो गया, टिकट कैंसिल नहीं हो सकता, मुझे पूछ रही थी मैं चलूंगी क्या। अच्छा, कब जाना है? कल सुबह। कल? कल कैसे जा सकती है माँ, कुछ भी तैयारियां नहीं हुई है, कैसे? क्या करनी है नेहा, एक बैग में चार साड़ियां तो डाल दी है, और अभी तुम्हारी शादी में 2 महीने हैं, यात्रा पे तो बस कुछ ही दिन में जाकर आ जाऊंगी ना। देखो ना निया, भगवान ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी है, तो मैं सोच रही थी जाकर भगवान का शुक्रिया अदा कर लूं। माँ, आप मुझसे कुछ छुपा नहीं रही है ना? क्या छुपाना क्या है, चार धाम की यात्रा के बारे में कह रही हूँ। आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट्स मिलने वाली थी, कहाँ है? है ना, अभी बहुत रात हो गई है, तू कल सुबह देख ले। नहीं, अभी दिखाइए। वकील है ना, हर बात में सबूत चाहिए होता है। कह रही हूँ कल सुबह देख ले, वो नहीं। और अब मैं यहाँ नहीं हूँ तो 4 दिन अपना ख्याल रखना। वक्त पे खाना खाना। हो गई तसल्ली? जा सो जा। रिपोर्ट्स तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ को छुपा रही है? बैठो, नाश्ता करो, मैं देखता हूं। अरे आइए, लाइए बैग दीजिए। अरे नहीं नहीं, दीजिए तो। बिल्कुल सही टाइम पर, बस नाश्ता चल रहा था, आप भी कर लीजिए हमारे साथ। नहीं बेटा, बिल्कुल मन नहीं है। दादी, गुड मॉर्निंग। दादी, आप यहाँ पे रहने आए हो? तब तो आप मुझे केक खिला सकते, दूध दिन खिलाया था। अरे बैठने तो दो दादी को। हाँ देखो, दादी को ज्यादा परेशान मत करना, क्योंकि वो अपना इलाज करवाने यहाँ पे आई, समझे? हाँ। हाँ? और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दादी हमारे यहाँ रहने आई। क्यों? अरे भाई, वो फिर सब मिलने आते रहेंगे तो दादी को आराम नहीं मिलेगा। हाँ? ओके पापा। चलो चलो जाओ, नाश्ता करो, स्कूल जाओ। चलो, मैंने डॉक्टर कोठारी से बात की है, आज 3 बजे उन्होंने मिलने बुलाया है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि कम से कम 4 या 5 कीमोथेरेपी के सेशंस तो लगेंगे। अब जो किस्मत में लिखा है उसे तो स्वीकार करना ही होगा ना। काकुल, द ग्रेट ओम शंकर की बेटी, अमरनाथ खानदान की बहू, आज मेरे रहमो करम पर चिंता है, बेबस है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सांसें इसी वक्त बंद कर सकता हूं, बस ये ट्यूब खींचने की देरी है। अब तुम्हें पता चला श्लोक वर्मा से बदला लेने का मतलब? मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूं, समझे? काकुल, तुम सुन सकती हो, उठो काकुल, ये नाटक बंद करो काकुल, उठो, आंखें खोलो काकुल, काकुल आंखें खोलो। सर, खोलो आंखें। मिस्टर वर्मा। काकुल। सर, मिस्टर वर्मा, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, फॉर गॉड्स सेक। इसे होश आ गया, होश आ गया इसे, अभी मैंने इसकी आंखें खोली, देखी, देखो चेक करो उसे, चेक करो इसे। सर,
ऐसे केसेस में ऐसा होता है, पेशेंट की बॉडी कभी कभी रिएक्ट करती है, पेशेंट की बॉडी में से सर्टेन वेव्स मूव करती है, ट्रेवल करती है, पेशेंट्स आंखें खोलते हैं, इट्स नॉर्मल। ये बेजान है, इन्हें अभी तक होश नहीं आया, सी बेजान। दामिनी को काकुल बनने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस काकुल को होश आ गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, अपने जीत के इतने करीब आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। काकुल को इसी तरह बेजान रखना होगा, किसी ना किसी तरह, एटलीस्ट तब तक जब तक दामिनी उसकी जगह ना ले ले। मेरे साथ शॉपिंग करने में थक गया तू। अभी तेरी शादी होगी, बीवी जब शॉपिंग करने ले जाएगी ना तब देखती हूँ थकता है कि नहीं। खुद ले चलेंगे आपको। और सब आपको नहीं लगता इसे इसकी माँ का जरूरत है? आ बेटे, आ जा। अली, जब हम पटना पहुंच जाएंगे तो हमको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, बस हमें इंतजार करना है कितनी देर काकुल का यही नहीं पता। बस काकुल का इंतजार है। आ बेटा चल, आ जा, आ जा। देविका, सुजीत बाबू का फोन। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है पापा। लग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और ये आपके बाल? तेरी खुशी के लिए मन्नत मांगी थी ना, इसलिए काटे। तो थकावट वो सफर की वजह से, 2-3 दिन आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तू कैसी है? ठीक। Thank you.
अभी हमें इनसे सबको दूर रखना होगा, इनसे कोई भी नहीं मिल सकता। क्यों? ऐसे ऑपरेशन में इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है। दरअसल बाऊ साहब, दरअसल आपको मालूम है हम कौन है, और उसके बावजूद आप हमारा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आम जनता की सेवा क्या करेंगे? ऐसी बात नहीं है बाऊ साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो खो गया हो उसे तो हम ढूंढ के ला भी सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ के छुप रहा हो, सामने आना ही ना चाहता हो, उसे हम कहां से ढूंढ के लाएं? सबके लिए सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ चौधरी का परिवार जिम्मेदार है। उन्होंने ही मेरी काकुल को दुनिया से छिपने पर मजबूर कर दिया है। 2 महीने बाद आपको मिस बहुत करेंगे हम। स्ट्रिक्ट हैं जरा से, लेकिन मिस तो करेंगे। आप समझाइए ना अपने नाना जी को, आपको उनके साथ साथ हमारा जरूरत है, अपनी माँ का जरूरत है, समझाइए उन्हें। चिराग की अब कोई माँ है नहीं, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नवासे का पालन पोषण सौतेली माँ के हाथों। बहू साहब, जिनसे यह बच्चा इतना जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसे सगे बेटे से ज्यादा प्यार किया है, उनकी ममता पर शक करने का कोई वजह नहीं हमारे पास। मानने और होने में बहुत फर्क होता है, और हम इतनी आसानी से पुराने रिश्तों को भुला नहीं पाते। आप अपनी अवस्थाओं से मजबूर हैं, यह मजबूरी आपको हमारे विरुद्ध भी खड़ा कर देती है, लेकिन हम मजबूर नहीं। हम अपने बिटिया की जगह किसी और को नहीं दे सकते हैं, यह हमारे लिए संभव नहीं है। हमने भी तो यही कहा था आपसे बहू साहब, हमने भी तो यही कहा था, मगर आपने और काकुल ने हमें चिराग का वास्ता देके समझाया कि एक बच्चे को मां का जरूरत है, तो हमने भी तो यही कहा था। भूल हो गई, हमसे भूल हुई है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग अपने भूल को सुधार लें और फिर से एक बार नया जीवन शुरू करें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा नवासा शहर के उन लोगों के बीच पले और बढ़े जो लालची हैं, बेईमान हैं और मतलबी हैं। कैसे जिएंगे इसके बिना? कैसे जिएंगे? हमें भी तो तकलीफ होगा ना इससे अलग होकर बहू साहब। हम भी 2 बेटियों के बाप हैं, और हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हमने तो कहा ना कि आपको अपने पुत्र के वरण से कौन रोक सकता है। आप देविका का त्याग कीजिए और अपने पुत्र का वरण कीजिए। यह आपका खून है, यह आपका पुत्र है, इसके पालन पोषण से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यह आपका धर्म है और हक भी। मतलब एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे की आहुति देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम जिसे निभाने के लिए कह रहे हैं वो खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता। और अगर इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, बाकी कुछ समझाना बेकार है। चलिए, आ जा बेटा, आ जा। बाबू साहब, हम चलते हैं। बाबू साहब, जरा हमारा बात तो सुनिए। देखिए, हम खोज रहे हैं ना काकुल को, उसके मिलने तक तो रुक जाइए।
भगवान आपकी कोशिश को कामयाब करे। जब काकुल मिल जाए तो हमें सूचित कर दीजिएगा, हम यहां आकर काकुल को ले जाएंगे। लेकिन अब हम चिराग को यहां लेकर और रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अब किसी पे भरोसा रहा नहीं। सुखी रहिए। ऐसा बंटी, ओ बंटी, कहाँ चला गया? लक्ष्मी, बंटी कहाँ चला गया? सरप्राइज! अरे हाय, कब आए आप लोग? कल ही आए हैं। अब पापा, सोनिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा, बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। तो बस इसी से दोस्ती या फिर सॉरी फ्रेंड्स? यस पापा, लेट्स सेलिब्रेट। आज थोड़ा काम है बेटा मुझे। डॉक्टर ऋषभ, बच्चों की सेलिब्रेशन यानी पिज्जा जो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। यस, ठीक है, चलो जाओ खेलो। हाय, कैसी हैं आप? मैं ठीक। आर यू ओके? या आई एम फाइन, आई एम ओके। सोनिया बहुत खुश लग रही है। हाँ, लंदन जाते ही उसे एहसास हो गया था कि उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उसकी मामा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली सोनिया लंदन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही थी, चाहती थी कि अपने पापा से मिले, लेकिन उसके पापा उससे मिलने ही नहीं आए। मिलना तो बहुत दूर की बात है, सोनिया का फोन कॉल भी अटेंड नहीं किया उन्होंने। बहुत बिजी रहते होंगे। हाँ बिजी तो है अपने नए परिवार के साथ। ओह, आई एम सॉरी, आपको पता नहीं था इस बात का? मैं जानती थी, लेकिन मैं सोनिया को कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि सोनिया के दिल में अपने पापा की जो इमेज है वो खराब हो। लेकिन डॉक्टर ऋषभ, हम जो सोचते हैं वो कई बार होता नहीं है, और सोनिया को इस तरह इस बात का पता चला, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। बहुत हर्ट फील कर रही है वो, एंड टू बी ऑनेस्ट शी इज सो लिटिल टू रियलाइज दीज थिंग्स। चलिए, खैर जो भी होता अच्छे के लिए ही होता है। अब आपका और सोनिया का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। या और कानूनन भी, बिकॉज आप सोनिया के ग्रैंड पेरेंट्स और पापा दोनों सोनिया से नहीं मिल सकते। मैंने उनकी विजिटिंग राइट्स कैंसिल करवा दी है। और लंदन में एक और बात का एहसास हुआ हमें डॉक्टर ऋषभ, दोनों सोनिया को और मुझे भी, कि वी रियली मिस्ड द टू ऑफ यू। ये जो हमारी दोस्ती है, इट्स समथिंग स्पेशल। यहाँ आकर आप दोनों से मिलने का बहुत मन कर रहा था। हाँ, लेकिन यहाँ की भाग दौड़ में जो है वो सब हवा हो जाएगा। बस जल्दी आइए, काकुल को होश आ गया, जल्दी आइए।
मिस्टर वर्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ऐसे पेशेंट के साथ ऐसा होता ही रहता है। इन्हें जब होश आएगा तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। फिलहाल ये बेहोश है। बोलिए डॉक्टर। डॉक्टर मुझे कब तक इंतजार करना होगा? यही कुछ खबरी देने के लिए तो मैंने आपको फोन किया। मैं कल सुबह दामनी की बैंडेज खोल रहा हूँ। गुड डॉक्टर, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। ओके सी यू। आप तैयार हैं? शुरू करें। अपनी आंखें खोलिए। जैसे मैंने चाहा था ठीक वैसे हुआ। लेकिन असल जिंदगी में मैं सीता कैसे बनेगी? तू जा, जा किसी और को ढूंढ ले, मैं नहीं करेगी। तुम चुपचाप वही करोगी जो मैं तुमसे कह रहा हूं, वरना ये जो चेहरा तुम्हें दिया ना, इसे जला दूंगा। ने हमें बुलाया, कुछ काम था? एक्सेलेंट। अच्छा रुक जाओ, तुम काकुल नहीं हो सकती।